हेलो स्टूडेंट, तो अभी हम लोग एससीओ और एनसीईआरटी के बाद फिजिक्स की दो मोस्ट पॉपुलर और डिमांडिंग बुक अरिहंत पब्लिकेशन की डीसी पांडे और सिंगेज पब्लिकेशन की बीएम शर्मा दोनों ही बुक का एक कंपैरेटिव रिव्यू देखने वाले हैं कि दोनों बुक में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिसिमिलरिटीज हैं, अलग अलग दोनों बुक में क्या क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कौन सी बुक सही है। इन सारी बातों को एक एक करके देखेंगे। तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को। स्टूडेंट, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दोनों ही बुक डीसी पांडे और बीएम शर्मा दोनों ही बुक जेई मेंस और एडवांस को ध्यान में रखकर लिखी गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी स्टूडेंट क्लास 11th 12th में पढ़ रहे हैं, जिनका फर्दर जेई मेंस या एडवांस का कोई प्लानिंग नहीं है, वैसे स्टूडेंट्स के लिए ये बुक नहीं है, उन स्टूडेंट्स को ये बुक नहीं पढ़नी है। दूसरी, वैसे स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर फर्दर फ्यूचर में जिनका नीट की प्रिपरेशन का कोई प्लानिंग है, वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी ये बुक नहीं है। रीजन, ये बुक प्योरली लिखी गई है जेई मेंस और एडवांस को ध्यान में रखकर लिखी गई है। चलिए, तो अब एक एक करके हम लोग देखते हैं दोनों ही बुक के कंपैरिजन को। स्टूडेंट, जब भी फिजिक्स में दो बुक को कंपैरिजन करना होता है तो ऑब्वियस है दो पैरामीटर होते हैं, थ्योरी और न्यूमेरिकल। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। थ्योरी के हिसाब से स्टूडेंट हम लोग बात करें तो बीएम शर्मा अनडाउटेबली थ्योरी के लिहाज से कहीं बेहतर है डीसी पांडे की तुलना में। रीजन, बीएम शर्मा में थ्योरी को बहुत ही डिटेल वे में, अच्छे तरीके से, क्लियर वे में, विथ बेसिक एग्जांपल्स की सहायता से समझाया गया है, जबकि डीसी पांडे में बहुत ही कंसाइज वे में थ्योरी को दिया गया है। तो वैसे स्टूडेंट, खासकर जो बिगनर्स वगैरह हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपने थ्योरी को आप किसी एक बुक से डायरेक्ट पढ़कर अपना थ्योरी क्लियर करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस है आप डीसी पांडे से कभी भी अपने थ्योरी को क्लियर नहीं कर सकते हैं, जस्ट लाइक एनसीईआरटी वगैरह। जबकि बीएम शर्मा से आप थ्योरी को पढ़कर मोस्ट ऑफ द केसेस में आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो थ्योरी के लिहाज से अनडाउटेबली बीएम शर्मा बेहतर है डीसी पांडे की तुलना में। स्टूडेंट, अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल की जहां तक बात करें तो न्यूमेरिकल दोनों ही बुक में काफ़ी संख्या में दिए गए हैं। वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स दोनों ही बुक में है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैचिंग कॉलम्स, दोनों ही बुक में काफ़ी संख्या में आपको न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। इनफैक्ट दोनों ही बुक आपको 5 से 6 वॉल्यूम में आते हैं, अलग अलग। मैकेनिक्स 1, 2, थर्मोडायनामिक्स के लिए अलग आते हैं, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए अलग आते हैं, लाइट के लिए अलग आते हैं, लाइक दिस। तो आप समझ सकते हैं कि डिटेल दोनों ही बुक में काफ़ी डिटेल दिया गया है, दोनों ही बुक में काफ़ी वैरायटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन देन न्यूमेरिकल में भी बीएम शर्मा आपकी न्यूमेरिकल के हिसाब से भी मेरे हिसाब से बेहतर है। रीजन स्टूडेंट, सॉल्व एग्जांपल्स तो चलिए दोनों ही में दिए गए हैं, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी दोनों ही बुक में दिए गए हैं, लेकिन बीएम शर्मा में जो सॉल्यूशन दिए गए हैं उसके क्वेश्चंस के, वो डिटेल वे में समझाए गए हैं। आप अपने से भी अगर आपका कोई क्वेश्चन आप खुद से नहीं सॉल्व कर सके हैं तो आप इसके सॉल्यूशन को देख के अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, जबकि डीसी पांडे में बहुत जगह सॉल्यूशन भी इसके थ्योरी की तरह कंसाइज वे में दिया गया है। तो उस लिहाज से न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बीएम शर्मा बेहतर है। स्टूडेंट, तो अब तक के डिस्कशन के हिसाब से यही लगता है कि भाई थ्योरी में भी बीएम शर्मा बेहतर है, न्यूमेरिकल में भी बीएम शर्मा बेहतर है। तो ओवरऑल क्या ये समझा जाए कि बीएम शर्मा बेहतर है, ओवरऑल बेस्ट बुक है? नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से। स्टूडेंट, ये डिपेंड करेगा कि आपका सिचुएशन क्या है प्रेजेंटली। अभी आप, कहने का मतलब है कि जस्ट आपने क्या 10th पास किया है या पास आउट स्टूडेंट है, आपका पहले से थ्योरी कितना क्लियर है, आपके पास टाइम कितना है, इन सब बातों पर डिपेंड करेगा। और मेरे हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको चूज करना है कि दोनों बुक में से आपको कौन सी बुक पढ़नी है। स्टूडेंट, एक एक करके समझते हैं। सपोज कीजिए, अगर आपने 10th पास किया है, तो कहने का मतलब है कि आपके पास टाइम है जेई मेंस और एडवांस के लिए। जब आपके पास टाइम है तो निश्चित रूप से अनडाउटेबली आपको बीएम शर्मा के साथ जाना चाहिए, क्योंकि बीएम शर्मा में थ्योरी डिटेल वे में ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेसिक तरीके से दी गई है विथ एग्जांपल्स। तो ऑब्वियस है बीएम शर्मा को पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, और बीएम शर्मा को पढ़ के आप अच्छे तरीके से थ्योरी को, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चूंकि आप बिगनर हैं, आपने जस्ट 10th पास करके अभी 11th में अभी आपने एडमिशन लिया है, तो आपके पास टाइम है, तो आपको बीएम शर्मा चूज करना चाहिए। अब साथ ही साथ, लेकिन वैसे स्टूडेंट जो मान लिया, अगर आपके पास, चूंकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो वैसे स्टूडेंट अगर आपने 10th भले पास किया, लेकिन अगर आप जहां भी कोचिंग ट्यूशन पढ़ रहे हैं आपको थ्योरी में कोई परेशानी नहीं हो रही है, आपका कंसेप्ट भी, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं वहां से आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता चला जा रहा है, तो उस केस में आपको डीसी पांडे के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उस केस में आपको जरूरत नहीं है कि आप अलग से फिर थ्योरी को उतना डिटेल से पढ़ें, आप अपना टाइम जो है अलग से फिर से अगेन उस चीज को ही समझने और क्लियर करने में लगाएं, जो कि ऑलरेडी आप अपने ट्यूशन कोचिंग में
समझ रहे होते हैं। तो अकॉर्डिंगली अपने सिचुएशन के हिसाब से आपको बुक को सिलेक्ट करना है। दूसरा, मान लिया सपोज करिए आप पास आउट स्टूडेंट की अगर आप बात करते हैं, तो पास आउट स्टूडेंट के पास स्टूडेंट क्या होता है, आप समझ सकते हैं कि टाइम की कमी है, आपके पास जेई मेंस और एडवांस के लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अगेन उस केस में भी आपको डीसी पांडे के साथ जाना चाहिए। डीसी पांडे में क्या है, थ्योरी आपको कंसाइज वे में दी गई है, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी कुछ पढ़ कर आया है, थ्योरी आपका कंसेप्ट बहुत हद तक क्लियर है, तो डिटेल थ्योरी की आवश्यकता नहीं है, आपके पास टाइम भी नहीं है, तो आप डीसी पांडे के साथ जाइए उस केस में भी। स्टूडेंट, डीसी पांडे के साथ एक और भी प्लस पॉइंट है, डीसी पांडे में आपका जो भी क्वेश्चंस वगैरह जो दिए गए हैं वो जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर दिया गया है, सब्जेक्टिव के लिए अलग, सब्जेक्टिव फॉर जेई मेंस, सब्जेक्टिव फॉर जेई एडवांस लाइक दिस, ऑब्जेक्टिव के लिए भी ऑब्जेक्टिव फॉर जेई मेंस के लिए अलग दिए दिए गए हैं डीसी पांडे में, ऑब्जेक्टिव आपका जेई एडवांस के लिए अलग कैटेगराइज कर दिए गए हैं। ये बात बीएम शर्मा के साथ नहीं है, वहाँ पर क्वेश्चन मिक्स तरीके से दिए गए हैं, अलग अलग मेंस और एडवांस के लिए कैटेगराइज नहीं किए गए हैं। तो ये डीसी पांडे का एक एडिशनल एडवांटेज है, क्योंकि सपोज कीजिए अब आपके पास अगर मेंस के लिए 2 महीने का टाइम बचा है, आप मेंस को टारगेट कर रहे हैं, तो आप एडवांस के क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, चूंकि वहां पर क्वेश्चन कैटेगराइज किया गया है, तो आप अपने सुविधा के हिसाब से अपने टाइम को देखते हुए, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप उस हिसाब से उसका फायदा उठा सकते हैं, जबकि बीएम शर्मा में ये बात नहीं है। तो स्टूडेंट आप समझ सकते हो, ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों ही बुक अच्छी है, डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पे कि आपका सिचुएशन क्या है, आप किस क्लास में प्रेजेंटली है, आपके पास टाइम कितना है, थ्योरी क्या ऑलरेडी आपका कितना हद तक, कितना परसेंटेज आपका क्लियर है, अकॉर्डिंगली आपको दोनों में से किसी एक बुक को सिलेक्ट करना है। अदरवाइज ये बात तो क्लियर है कि कहीं बेहतर इससे एनसीईआरटी आप एससी वर्मा दैट्स वेरी सफिशियंट, इवन देन आप किसी एक के साथ जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली इस हिसाब से आप बुक को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट क्लियर है स्टूडेंट, साथ ही साथ हम लोगों ने रेसनी खेलेडे, इरोडोव, एससी वर्मा इन सारे बुक्स का भी रिव्यू हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, एक कंपैरेटिव रिव्यू भी कर चुके हैं, तो उन सारे लेक्चर्स के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। स्टूडेंट मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है, और प्लीज अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते हैं, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।